हेलो फ्रेंड, टेक्निकल सवेरा में आपका स्वागत है। अपने पास आया हुआ फिलिप्स का 14 इंच टीवी। इसका प्रॉब्लम है दोस्तों कि पावर डालने के बाद में डेड है पूरा, यानी कोई पिक्चर नहीं आती, यानी और आवाज़ गिवास कुछ नहीं। डेड है, पावर सप्लाई कुछ बता रहा नहीं दोस्तों। इसका बैक कवर खोल लेंगे और इसे साफ करके आगे बताएंगे इसमें क्या क्या फॉल्ट है और क्या फॉल्ट सॉल्व हो। दोस्तों इसका बैक कवर खोल लिए, किट को अच्छे से साफ कर लिए एकदम पॉश। और ये देखो दोस्तों, इसका पावर सप्लाई में सप्लाई डालने के बाद में जैसे ये अपना गया है सीरियस बोर्ड, और ये बटन चालू है, देखो सप्लाई इसमें आके गया और इसका पावर भी चालू है। पर इसके अंदर जो है पावर लाइट बंद रहनी, और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये देखो मैं जूम करके बता रहा हूँ कि ये डायोड भी इसमें फूट चुका है और इसकी पावर सप्लाई में फॉल्ट है, और इसके अंदर कई सारे कंडीशनर भी ख़राब हुए हुए दोस्तों। और जैसे कि मैं बता देता आपको एक एक करके, एक ये वाला भी कंडीशनर ख़राब है दोस्तों, और एक ये वाला है, एक ये वाला है, और ये भी फूल चुका है एक, और एक ये वाला है। इतने बदलना है पहले, पन पावर जो फॉल्ट है पावर सप्लाई के अंदर समझ लो। तो इसके अंदर मेन जो है ये जो डावेट है दोस्तों, ये पहले सबसे पहले ये शॉर्ट हो चुका है, इसे बाहर निकाल लेंगे दोस्तों ये वाला, फिर आगे देखेंगे होता है क्या। इसका सप्लाई में से पिन निकाल लिया है अपने, और कैपेसिटर में का करंट शॉर्ट कर देंगे। ये देखो दोस्तों, करंट था इस कैपेसिटर में, और आप देख पा रहे हैं ये यहाँ जल चुका है, ये डावेट की जगह ये जल चुका है। तो ये पहले बदल लेंगे, इसे ओपन कर लेंगे इसमें। ये देखो दोस्तों, ये डायोड ये पूरा जल चुका है, हाँ देख पा रहे पूरा जल चुका है। इसे बाहर निकाल लेंगे दोस्तों, जूम करके बताएंगे दोस्तों थोड़ा सा। ये देखो दोस्तों, ये पूरा जल चुका है, ये जल चुका है दोस्तों, डायोड बाहर निकाल लिया हमने। अब इसके जगह दूसरा यही नंबर का डायोड वापस लेंगे, ये वाला डायोड निकाल लेंगे दोस्तों, ये वाला इस किट में का। चलो अभी दोस्तों यहाँ पर ही जोड़ के देख लेंगे, जो इसका प्लस बाकी है ये वाला इधर आएगा, ऐसे बाहर ही लगा के देख लेंगे दोस्तों। ये बाहर लगा लेंगे दोस्तों, आप देख पा रहे हैं सप्लाई डालकर देखेंगे कि उसका पावर लाइट आता नहीं दोस्तों। दोस्तों ये जल रहा है दोस्तों डायोड, यानी इसका मतलब आगे कुछ इसमें ख़राब है, आगे इसके अंदर कुछ ख़राब है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, डायोड शॉर्ट हो चुका है, दोस्तों बजर पे लगा दिए। टावेट खराब हो चुका है दोस्तों, ये इसके आगे जो है इसको ऐसी बाहर निकाल के, ये ऐसी को सप्लाई जा रहा है दोस्तों, ये ऐसी को
ये ऐसी कुछ सप्लाई जा रहा है, ये सप्लाई डालकर देखेंगे दोस्तों इसमें। अंदर और कुछ शॉर्टिंग है दोस्तों इसके, ऐसे ओपन कर लिए दोस्तों। और यहाँ का जो कंडीशनर है 100-160 यहाँ का बाहर निकाल लिए दोस्तों, ये ख़राब है। चलो दोस्तों, इस 100-160 कैपेसिटर है, जैसे ये जो नंबर है सेम वही नंबर है, नहीं दोस्तों इसका जो ये माइनस आया, माइनस बाकी इधर आ गए दोस्तों ऐसा, इसको माइनस माइनस के बराबर बिठा दिए दोस्तों। अब इसको सोल्डर कर लिए, सप्लाई में डाल के देखेंगे दोस्तों उसका भी। फिर भी दोस्तों लाइट नहीं आया ऐसा, दोस्तों नहीं आया अभी तक। आगे और शॉपिंग में देखते हैं, शॉर्ट कर लेंगे दोस्तों इसमें, पिन निकालने के बाद करंट शॉर्ट करना दोस्तों, यानी एसी करंट में से पिन निकालने के बाद में दोस्तों। अभी ये इसका एक ये भी कैपेसिटर ख़राब है, ये वाला, ये और ये दोनों बदल देंगे दोस्तों, फिर आगे देखेंगे ख़राब है। एक 1016 है दोस्तों यहाँ का दोस्तों, 1016 और उसके बाजू का 4725, यानी ये डालेंगे दोस्तों 1016 तो 1025 ही डालेंगे दोस्तों, ये आएगा दोस्तों 1025 और ये 1016 है दोस्तों, तो इसकी जगह 25 वापरेंगे। ये माइनस आया, ये माइनस का इधर ये पट्टा दिया है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं इस प्रकार इसको बिठा लेना है। उसके बाजू का भी कैपेसिटी खराब है दोस्तों, वो भी बदल लेंगे अपने। ये वाला कैपेसिटी निकाल लेंगे, ये जो कैपेसिटर निकाले दोस्तों ये आवाज़ के एसी के अंदर आता है, ये जो आवाज़ की एसी के अंदर, इससे बाद में निकालेंगे दोस्तों को। अभी उसकी आवाज़ के एसी का कनेक्शन बाहर कट करा हुआ है, अभी सप्लाई डाल के देखेंगे कि अपना पावर लाइट ये आता कि नहीं, सीरियस में डालेंगे दोस्तों। नहीं दोस्तों अभी भी नहीं बता रहा कुछ, अभी बड़ा वाला कंडीशनर ड्रॉप कर रहा है दोस्तों इसके अंदर, बड़ा वाला कंडीशनर ड्रॉप कर रहा है, इसका मतलब अभी कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है इसमें।
बाकी डायोड चेक कर लेंगे दोस्तों इसके अंदर मल्टीमीटर बाजार पे लगा के। ओके ये भी ओके दोस्तों। ओके तो यहाँ पर अभी ख़राब कौन था है दोस्तों, यहाँ अभी ये कंडीशन निकाल लिए दोस्तों। कैपेसिटर खराब है इसमें अभी तो। ये रस्टन ओपन करके देख लेंगे दोस्तों। फाइव वाट रस्टन ये ओपन करके देख लेंगे। दोस्तों अभी भी लाइट नहीं आ रहा है इसका, देख पा रहे हो। दोस्तों एक ये डायोड भी शॉर्ट है इसमें, ये डायोड भी, ये डायोड भी शॉर्ट है। ये नहीं भी डाले तो चलता है, इसका कोई इतना ये नहीं है। इसको अब सप्लाई डालकर देखेंगे, 110 बंद रखे इसका। दोस्तों यहाँ का जो कैपेसिटर निकाला हुआ है ये वही नंबर डाल दे रहे हैं, यानी उसका प्लस इधर है और माइनस उधर है। इस प्रकार बैठ गया दोस्तों, देखो आप इसको सोल्डरिंग कर रहे हैं यहाँ पर। चलो दोस्तों मल्टीमीटर की वोल्टेज चेक कर लेंगे। लाइट 200 पे ले लेंगे, डीसी 200 पर, डीसी 200 पर ले ली दोस्तों। दोस्तों ये एसटीआर बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों इसका एसटीआर बाहर निकाल ली, देखते हैं क्या नंबर है। नंबर शो नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों इसका। चलो दोस्तों मॉडल लगा कर देखेंगे। तीन वायर है दोस्तों इसमें तो। कैपेसिटर का जो प्लस आया दोस्तों तो ये वाला आया, यहाँ पर ग्राउंड अर्थिंग ये यहाँ ले लेंगे, ये अर्थिंग आई दोस्तों ये, और ये कैपेसिटर का जो माइनस आया है इस पर ले लेंगे। कैपेसिटर का जो माइनस की लिखे है ये,
लाइट कुछ ज़्यादा नहीं दोस्तों, इसका वोल्ट कितना बन रहा है ये चेक कर लेंगे। अरे बाप रे, ये है 15 वोल्ट। दोस्तों ये देखो, अब ये पावर सप्लाई पर ये अपना, और एक ये वाला भी डायोड ख़राब निकला, जैसे उसके नीचे भी एक ये वाला, जैसे ये जो जल गया उसके बाद जो कभी और एक ख़राब निकला, और ये बाहर से लगा दिया अभी फिलहाल अपन ने। ये देखो दोस्तों, बाहर से लगाया हुआ है, बाहर से लगा हुआ है पहले ये भी और ये भी एक, और ये पावर सप्लाई लगाए और सप्लाई डालकर देख लेंगे दोस्तों। ये देखो दोस्तों, अब इसका पावर सप्लाई ओके हो गया है। अब इसे ये मॉड्यूल निकाल लेंगे दोस्तों, और इसका जो स्टेयर निकाला हुआ है ये वाला, ये वापस दोबारा बिठा देंगे। ट्रैक मार लेंगे दोस्तों, उसको ट्रांजिस्टर बिठा दिए, सोल्डिंग कर लेंगे उसको, सर्किट टच नहीं होना दोस्तों। इस हिसाब से 5 पॉइंट का स्टेयर है, सर्किट को साफ कर लेंगे। चलो सप्लाई डाल के देख लेंगे दोस्तों। ओके होगा दोस्तों पावर सप्लाई, इसका वोल्ट भी चेक कर लेंगे, वोल्टमीटर पे कितना दे रहा है। ये देखो दोस्तों, 110 वोल्ट लगना, 110 वोल्ट लगना तो अपना बराबर 200 पर की रेंज पे रखा है दोस्तों। ये आया पॉइंट 110 का, 113 114 वोल्ट, यहाँ पर 17 18 और यहाँ पर 19। चलो दोस्तों, ये जो डायोड है बाहर लगाए हुए ये वाले दोस्तों, इसे वो दोबारा अंदर डाल देंगे, और यहाँ का जो ये भी डायोड डाल देंगे, और नीचे का जो ख़राब है वो निकाल के फेंक देंगे। और ये जो 110 बाहर निकाला है दोस्तों, 110 जो इसका बाहर निकाला है ये वाला 110 का, ये यहाँ पर दोस्तों दिख नहीं पा रहा हूँ आपको, यहाँ पर अंदर है दोस्तों ये वाला, ये वाला, ये बराबर उसकी जगह पे बिठा देंगे और फिर ऑन करके देखेंगे। और ये दूसरा वाला, ये जो ख़राब डायोड, ये भी बाहर निकाल लेंगे, ये दोनों डायोड बिठा लेंगे दोस्तों, इधर वाला भी। ये भी और ये वाला इधर भी,
पॉइंट भी 110 जो ओपन करे थे वो भी मार दिए दोस्तों। चलो सप्लाई डाल कर देखेंगे कि अपना टीवी ऑन होता कि नहीं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई दोस्तों, इसमें थोड़ा काम भी और लाइट का भी। ये देखो दोस्तों आ गए दोस्तों टीवी अपना। ये होगा दोस्तों टीवी ऑन। टीवी टीवी ऑन होगा दोस्तों। ये दोस्तों ओके होगा टीवी दोस्तों। ये देखो आप, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। ये मोबाइल में थोड़ा झुलझुल करता है। धन्यवाद दोस्तों।